जेट एयरवेज, जो फिर से आसमान को छूने से बची है, ने मार्च तिमाही में अपने हानियों को 55 करोड़ रुपए से घटाया, जो जून तिमाही में 390 करोड़ रुपए था। हानियों को घटाने के बावजूद हवाई यात्रा फिर से शुरू करने की अभी तक की स्थिति ने निवेशकों को स्टॉक से दूर रखा। पिछले एक वर्ष में स्टॉक 57% गिर गया है। कैश कमजोर जयप्रकाश एसोसिएट्स भी ऐसी कंपनी है जिसने प्रबंधन द्वारा कई उपायों को अपनाकर हानियों को काफी कम कर लिया है, जिसमें गैरमूलभूत संपत्ति की बिक्री भी शामिल है ताकि बैलेंस शीट का बोझ कम हो सके। कंपनी की हानि मार्च तिमाही में 156 करोड़ रुपए से घटकर जून तिमाही में 439 करोड़ रुपए हुई है। शेयर प्रदर्शन में धीरे धीरे जेपी समूह कंपनी के प्रयासों को सड़े हुए होने की पहल मिल रही है, क्योंकि पिछले एक वर्ष में स्टॉक ने केवल 11% खोया है। सरकारी दायर के दूरसंचार उपकरण निर्माता आईटीआई ने जनवरी से मार्च के दूसरे तिमाही में हानियों को कम कर दिया। हानियां मार्च तिमाही में 73 करोड़ रुपए से कम हो गई, सितंबर तिमाही में 100 करोड़ रुपए से अधिक थी। पिछले एक वर्ष में स्टॉक ने लगभग 13% रिटर्न दिए हैं। कुछ नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी कंपनियां भी इस सूची में शामिल हुई। लाभ संग्रही को बढ़ाने के लिए लागत कुशलता में जारी रहने का ध्यान रखने से उनमें से कई ने हानियों को कम कर दिया और धीरे धीरे मुनाफे के मार्ग पर चलना शुरू किया। पीबी फिनटेक पहले कंपनी में से एक है, क्योंकि कंपनी की हानि मार्च तिमाही में 9 करोड़ रुपए से कम हो गई है, जो जून तिमाही में 204 करोड़ रुपए तक थी। इसी तरह पेटीएम माता प्रवर्तन वाणिज्यिक कंपनी की हानियां जून तिमाही में 639.40 करोड़ रुपए के उच्च स्तर से मार्च तिमाही में 165 करोड़ रुपए तक कम हुई। कमाई में स्थिर सुधार ने निवेशकों में विश्वास को मजबूत किया, क्योंकि पिछले एक वर्ष में स्टॉक ने 14% से अधिक रिटर्न दिए हैं। निवेशकों को क्या करना चाहिए? वित्तीय वर्ष 24 में प्रवेश करते समय विश्लेषकों ने घरेलू भूमिका आधारित क्षेत्रों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है और आगामी तिमाहियों में कमाई में और सुधार की उम्मीद की है। मार्च तिमाही के बाद दलाली आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, ऑटोमोबाइल, खुदरा वस्त्र और उपभोक्ता माल जैसे मुख्य क्षेत्रों के लिए अनुमानों को अपग्रेड किया, जबकि विदेशी मैक्रो आर्थिक मुद्दों के कारण आईटी, तेल और गैस और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए अनुमानों को डाउनग्रेड किया। मैक्रो स्थिरता के साथ स्थिर कमोडिटी मूल्य, कॉर्पोरेट कमाई ने स्वस्थ डबल डिजिट में विकास करके अपनी प्रतिष्ठा दिखा रही है, ब्रोकरेज ने कहा, जबकि घरेलू बाजारों पर सकारात्मक स्थिति की साथी होकर रही है। यह मानती है कि किसी भी गिरावट का उपयोग उत्कृष्ट कंपनियों के दीर्घकालिक पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए किया जाना चाहिए, जो दुरुस्त बैलेंस शीट, पूंजी प्रभावी प्रकृति के साथ होती है और विकासी दीर्घावधि की है। राइट रिसर्च की सोनम श्रीवास्तवा ऐसा मानती है कि बैंक, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता खपत क्षेत्रों में निवेशकों के लिए काफी संभावनाएं होंगी।